इस वीडियो में करंट ट्रांसफार्मर का ए एल एफ एंड आई एस मतलब क्या हुई देखने वाला है ये सी टी का नेम प्लेट है इसमें देखिए अक्रेसी क्लास और नीचे दिया आई एस एफ लेस देन फाइव दिया हुआ ठीक है सो ये सी टी दो कोर का सी टी है एक कोर में क्या इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब मीटर वगैरह लगाना है लगाना है दूसरा कोर पे प्रोटेक्शन रिले वगैरह लगाएगा ठीक है सो फॉर एग्जांपल ये थाउजेंड एम बीयर बाई वन एम्बियर का सी टी है मतलब थाउजेंड एमबियर प्राइमरी में अगर फ्लो होगा तो सेकेंडरी में वन एमबियर आउटपुट आएगा ठीक है जब फॉल्ट कंडीशन में अगर टेन थाउजेंड एमबियर फ्लो हो रहा है प्राइमरी में तो सेकेंडरी में टेन एमपियर आएगा ठीक है so सो टेन एमबियर अगर इंस्ट्रूमेंट मतलब मीटर अंदर जाएगा तो क्या होगा मीटर वगैरह डैमेज हो सकता है राइट मीटर का भी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी दिया रहता है फॉर एग्जाम्पल सिक्स सेम पे फॉल्ट करेंट इतना साइन तो वो करेगा ठीक है so, सो उससे कम सिटी का आई एस एफ रेटिंग होना चाहिए ठीक है जैसे मैंने में देखिए आई एस एफ लेस देन फाइव लिखा हुआ ठीक है इसका मीनिंग जब फॉल्ट करंट बढ़ेगा तो उस हिसाब से आउटपुट करंट भी बढ़ेगा तो जब फाइव या ऊपर अगर जाएगा करंट तो इसका सीटी का जो कोर है वो सैचुरेशन हो जाता है ठीक है सैचुरेशन होने से फ्लक्स बंद हो जाएगा फ्लक्स बंद होने से इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा ठीक है उस हमसे ये डिजाइन किया जाता है ठीक है ना कोर सेशन मतलब क्या ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हूँ आप देख लीजिएगा नहीं देखा तो आई कार्ड क्लिक करके देख सकते हैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हूँ क्लिक करके देख लीजिएगा नेक्स्ट ए एल एफ एक्क्यूरेसी लिमिट फैक्टर आप सी में देखिए फाइव पी ट्वेंटी या फाइव पी टेन लिखा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल फाइव पी ट्वेंटी इसमें फाइव है कॉमरसेट एरर पी मतलब प्रोटेक्शन क्लास ट्वेंटी मतलब एक्ूरेसी लिमिट फैक्टर ओके सो इसका मतलब क्या है जब आप फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड बाई वन एमबी का सी है तो थाउजेंड एम्बियर जाएगा तो वन एम आउटपुट आएगा ठीक है अगर इसको ट्वेंटी टाइम्स करंट अगर जा रहा है ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी थाउजेंड एम पी फॉल्ट करंट जा रहा है तो इसमें आएगा ट्वेंटी एम ठीक है उस टाइम भी आपका इसका जो एरर है वो फाइव को ऊपर फाइव परसेंट ऊपर नहीं जाएगा ठीक है इसमें आपका प्रोटेक्शन रिले लगा रहता है ठीक है प्रोटेक्शन रिले के लिए तो एक्यूरेसी चाहिए ओके सो वो एक्यूरेसी के लिए फाइव पी ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी एम फॉल्ट करंट जाएगा भी तो फाइव परसेंट ऊपर से इसका एरर नहीं रहता ठीक है ठीके? अगर ट्वेंटी से अगर ज्यादा टाइम करंट जाएगा तो फाइव परसेंट से ज्यादा एरर आ सकता है ठीक है जहां पे कम फॉल्ट करंट फाइव पी टेन फाइव पी टेन में क्या जो नॉर्मल करंट है उससे टेन टाइम्स फॉल्ट करंट जाने से जाने से भी आपको फाइव परसेंट एरर ही देगा ठीक है उसके ऊपर अगर जाएगा तो फाइव परसेंट ज्यादा एरर हो सकता है अगर ज्यादा फॉल्ट करेंट फाइव पी ट्वेंटी है ठीक है इस हिसाब से आपका एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर जो मेंशन करता है सीटी पे ओके